वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कंचन और मैं आज बना रही हूँ मसालेदार चने सत्तू का शरबत। ये शरबत आपको गर्मी से राहत तो देगा ही, साथ ही साथ ही पेट की जलन और भूख को भी कम करेगा। तो चलिए बनाते हैं मसालेदार चने सत्तू का शरबत। तो मैं यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ली हूँ, इसमें मैं लगभग एक कप जितना अभी पानी ऐड करूँगी। तभी मैं एक कप ही पानी लूँगी, उसके बाद में जितनी क्वांटिटी की हमें बनानी है उस अनुसार हम पानी ऐड करेंगे। तो लगभग मैंने एक कप जितना पानी ले लिया है और एक कप जितना ही मैं इसमें सत्तू भी ऐड करूंगी। मैं यहाँ पे चने का सत्तू ले रही हूँ और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे, और इसीलिए मैंने पानी अभी एक ही कप लिया है ताकि अच्छे से सत्तू हमारा मिल जाए। और देख सकते हैं सत्तू हमारी अच्छे से मिल चुकी है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे जितनी क्वांटिटी की हमें बनानी हो उस अनुसार। तो मैं यहाँ पर लगभग 3 गिलास जितना पानी ऐड करूँगी। लगभग ये देख सकते हैं सत्तू हमारा अच्छे से मिल भी चुका है और ये हमने पानी भी ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे एक एक करके अब मसाले। मसाले में मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज को बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे एक तीखेपन के लिए ग्रीन चिल्ली ली है, नींबू लिया है, चाट मसाला लिया है और नमक लिया है। पहले हम यहाँ पे कटे हुए प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज से सत्तू का शरबत का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही तीखापन के लिए यहाँ पे ग्रीन चिल्ली को भी काट के हम ऐड कर देंगे। टेस्ट अनुसार नमक और साथ ही चाट मसाले को भी हम ऐड कर देंगे। सत्तू की शरबत की टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे काला नमक 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून में भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा शरबत रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड करेंगे नींबू का रस। नींबू का रस के बिना तो सत्तू के शरबत का टेस्ट ही। और आखिर में हम ऐड करेंगे नींबू का रस। नींबू के रस के बिना तो सत्तू का शरबत फीका ही रह जाएगा। हम 1/2 नींबू का रस ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और बस ये हमारा शरबत रेडी है सर्व करने के लिए। और सर्व करने से पहले मैं एक बार अच्छे से शरबत को मिला लूँगी और बस ये शरबत हमारा सर्व करने के लिए रेडी है। ये इसको आप चटकारे लेकर खाइए, बहुत ही यमी टेस्टी और स्वाद भरा है। गर्मी से आपको राहत देगा, जलन से बचाएगा, साथ ही साथ ये आपकी भूख को भी कम करेगा। ये मसालेदार सत्तू का शरबत ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगर सत्तू की शरबत की रेसिपी अगर आप अपना शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह सत्तू का शरबत को बनाते हैं। और मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा थम्स अप का बटन को प्रेस करके। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।